राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव हमारे साथ हैं। भोला जी, बहुत लंबे समय के बाद पार्टी के पदाधिकारियों नेताओं को संबोधित किया है लालू यादव ने, क्या कुछ बात हुई है? दो दिन का प्रशिक्षण शिविर भी चला है, क्या कुछ खास रहा है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी इससे पहले भी संबोधित किए थे, जब से वो अस्पताल से घर आए हैं ये हम समझते हैं तीसरा संबोधन है उनका। उन्होंने जो संबोधित किया और अपने जिला अध्यक्ष, जिला के प्रधान महासचिव और प्रखंड अध्यक्ष को ये टिप्स दिया कि सबसे ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है बूथ पर, और बूथ कमेटी के जो हमारे लोग हैं, जिस चीज़ को हम ये निर्धारित किए हैं, जो मेरा प्राइमरी कमेटी जो होगा, प्रारंभिक कमेटी होगा, वो बूथ होगा, और बूथ के माध्यम बूथ यदि सुदृढ़ होगा तो निश्चित तौर से हमारा दल सुदृढ़ होगा। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो सोच है A to Z, उस A to Z को बूथ पर ही इम्प्लीमेंट करना है। A to Z का मतलब क्या है? हरेक जाति, हरेक वर्ग के लोग उसमें समाहित होंगे। आप लोगों तो कुछ खास जात के बारे में कहा जाता है कि कुछ खास जात? ऐसी बातें नहीं है, ये भ्रांतियाँ कुछ हमारे विरोधियों के द्वारा और कुछ इलिट वर्ग के जो मीडिया हैं उनके द्वारा इस बात की भ्रांतियाँ उड़ाई जाती थी जो कि MY की पार्टी है, लेकिन रियल में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी का 1990 से जो कहा जाता था जिन निकला है, वो जिन था A to Z, सभी वर्गों के जो लोग थे उनके साथ थे, अभी भी उनके साथ हैं। उन लोगों को बूथ पर जोड़ना और मॉक पोल पर ध्यान देना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मेन डायरेक्शन था, जो मॉक पोल को आप लोग बहुत ही गंभीरता से लीजिए। हमारे पोलिंग एजेंट विलंब से जाते हैं, पोलिंग एजेंट को 4 बजे भोर से ही अलर्ट रहना चाहिए, 4 बजे भोर के बाद किसी भी समय मॉक पोल होता है, और मॉक पोल में यदि 150 वोट वो गिरा करके सील कर देगा तो कहीं ना कहीं हम सब बूथ पर यदि 50-50 वोट भी गिरा लेता है तो ऐसे स्थिति में हमारा समझिए जो 300 बूथ है तो 15,000 वोट तो उसको बेवजह का मिल गया। पिछले चुनाव से सबक लिया आप? पिछले चुनाव से हम लोगों ने सबक लिया है, इसलिए प्राइमरी यूनिट बूथ को बना करके पहले बूथ को हम सुदृढ़ करेंगे, और जब बूथ सुदृढ़ होगा तो निश्चित तौर से हमारे जो लोग हैं वहाँ अलर्ट होंगे, तो हमारा वोट छन करके आएगा, मॉक पोल करेगा, EVM को देखेगा प्रॉपर सील है कि नहीं, सील हुआ कि नहीं, 0 पर आया कि नहीं, और तब सील हुआ कि नहीं। यानी अभी तो पंचायत चुनाव है, 2 चुनाव है, कोई बड़ा चुनाव तो है नहीं, इतनी ट्रेनिंग देने क्या मतलब जरूरत है? नहीं, बड़ा चुनाव की बात नहीं है, ये ट्रेनिंग एक दिन के लिए नहीं है, चुनाव तो एक न एक कोई ना कोई आते जाते रहता है, चुनाव का कोई समय नहीं है। जो बिहार का सिनेरियो दिखाई दे रहा है उससे आपको क्या लग रहा है जी, कितने दिन की सरकार चलेगी? मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, किसी भी समय कुछ हो सकता है, इसकी तैयारी हो रही है। हम लोगों ने, हमारे नेता ने उस हिसाब से अपना तैयारी, हमारे ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा जो पहले सचेत होइए, सतर्क होइए, और सतर्क होइए तो ये सब सतर्कता का निशानी है, हम लोग सतर्क हैं, और हम अपने प्राइमरी कमेटी को कहते हैं सतर्क होने के लिए, और जब मेरा प्राइमरी कमेटी सतर्क होगा तो निश्चित तौर से पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी, राज्य कमेटी और राष्ट्र कमेटी समृद्ध होगा, और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में निश्चित तौर से अगली सरकार बनेगी। एक बात जो सभी जानना चाहते हैं, राजद के कार्यकर्ता भी और लोग भी, लालू यादव को ऑनलाइन तो दो तीन बार सुन लिया लोगों ने, लाइव कब पटना में कब उनका आगमन होगा? देखिए, अभी चिकित्सकों के द्वारा उनका जो समय समय पर जांच किया जाता है, जब तक चिकित्सकों का टीम फुल फ्लेज नहीं कह दे जो इनको आप मूव कर सकते हैं, तब तक हम लोग यहाँ लाने के पक्ष में नहीं हैं। वैसे हम लोग उम्मीद करते हैं जो वो जल्द ही 15 से 20 दिन या 1 महीना कहिए लगेगा, वो डॉक्टर लोग अब बहुत चीज़ों पर छूट धीरे धीरे दे रहे हैं, तो जल्द ही आएंगे, उनके रहने लायक उनका आवास भी बन रहा है, क्योंकि उसमें डॉक्टरीय सुविधा जो चाहिए उनको इस उम्र में, वो सारे सुविधाओं से लैस होकर के आवास अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो भी हम समझते हैं 10-15 दिन में बन जाएगा, और उसके बाद चिकित्सक जैसा सलाह देंगे उस हिसाब से हम लोग लेके आएंगे। देखिए, बड़ी बात भोला यादव ने कही है कि बहुत जल्द लालू यादव आ सकते हैं, और यही नहीं, एक बड़ी बात कि जो ट्रेनिंग जो दी जा रही है उसमें एक बड़ी बात यह भी है कि मध्यावधि चुनाव की आशंका
अभी भी है और कहीं ना कहीं अपने तमाम पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये ट्रेन किया जा रहा है कि वो किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार रहें और प्राइमरी लेवल की जो कमेटी बनाई गई, बूथ लेवल कमेटी, उस पर विशेष ध्यान रहेगा राष्ट्रीय जनता दल का। कैमरा पर्सन अशोक के साथ पटना से ईटीवी भारत के लिए मित्र वर्मा।